दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या कभी ऐसे किसी व्यक्ति को भारत का चीफ जस्टिस बनाया गया है जिसके पास लॉ की डिग्री ही न हो। तो आपकी जानकारी के लिए ऐसा हो चुका है 1967 में। जस्टिस कैलाशनाथ वाचू को बनाया गया था भारत का चीफ जस्टिस, और ये जस्टिस सुब्बा राव के बाद भारत के चीफ जस्टिस बने थे, और इनके बाद जस्टिस एम हिदायतुल्ला साहब ने पद धारण किया था। ऐसा कैसा हुआ तो मैं आपको जानकारी दे दूं। आपको जाना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 3 में, जहां एक बात लिखी हुई है कि कौन भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इस योग्यता में एक बात आती है कि जो राष्ट्रपति की राय में डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हो, यानी विधि वेत्ता हो। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो जरूर हमसे जुड़े रहेंगे।